भारतीय इतिहास के पन्नों में कई ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं व युद्ध दर्ज हैं जिन्होंने भारत देश का इतिहास बदल दिया। आज हम कुछ ऐसी ही एक घटना की बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजीबी डिजिटल इंडिया, मैं हूं माही और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पानीपत की पहली लड़ाई कब, कैसे और कहां हुआ। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर कई ऐसे निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई, जिनमें से पानीपत का पहला युद्ध शामिल है। 21 अप्रैल 1526 को हरियाणा के पानीपत में लड़ा गया था और इसी समय कई इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ये इतिहास की पहली लड़ाइयों में से एक है। यह लड़ाई साल 1526 में काबुल के शासक तैमूरी शासक शहीद उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी बीच हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस लड़ाई में पहली बार भारत के अंदर गन पाउडर, तोपखाने और गोला बारूद का उपयोग किया गया था, जिसके कारण बाबर की सेना से कई गुना अधिक सेना होने के बाद भी इब्राहिम लोधी की सेना हार गई, क्योंकि बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक और 20 से 24 तोपें थी। वहीं इब्राहिम लोधी की सेना में लगभग 30,000 से 40,000 सैनिक और कम से कम 1,000 हाथी थे। परंतु बाबर की रणनीति में अस्त्र शस्त्र ही नहीं बल्कि बाबर की तुलगामा और अरबा की रणनीति ने भी उसे जीत के लिए प्रेरित किया, क्योंकि तुलगामा युद्ध नीति का अर्थ था कि पूरे सेना को विभिन्न श्रेणी में बांट दिया, जिसे बाएं और दाहिने भाग को आगे तथा अन्य टुकड़ियों को पीछे के भाग में विभाजित करना। यह बाबर की कुशल और बेहतर नीति थी, क्योंकि इसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए एक छोटी सी सेना का उपयोग किया गया और अरबा युद्ध नीति केंद्रीय फॉरवर्ड डिवीजन को तब दुश्मन का सामना करने वाली पंक्ति में रखा गया था तथा सबसे पीछे तोपों को रखा जाता था ताकि पीछे से दुश्मनों पर प्रहार किया जा सके। आखिर अंत में इब्राहिम लोधी की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई और सामंतों के साथ सेनापतियों ने भी लोधी को वहीं छोड़ दिया। ऐसी ही भारतीय इतिहास की युद्ध घटनाओं की रोचक जानकारियों के लिए अभी हमारे चैनल एमजीबी डिजिटल इंडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।